जय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज़ दीपेश भट्ट एंड आई वेलकम यू टू स्प्रिंट सीरीज़। और आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, और कुछ क्वेश्चन सीख करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। बिग बैंग थ्योरी इज़ रिलेटेड टू, बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है, गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटर इन 1920। ठीक है, इसमें इनने बोला था कि एक गॉड पार्टिकल है जिसका नाम है हिग्स बोसोन, एकदम एटॉमिक साइज का पार्टिकल है। इसके अंदर सुपरनोविक एक्सप्लोजन होने की वजह से पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज, मिल्की वे जो कि हमारी गैलेक्सी है, ये स्पायरल गैलेक्सी है। ठीक है, और सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम मिल्की वे इज एंड्रोमेडा, बोथ ऑफ देम आर अ टाइप ऑफ स्पायरल गैलेक्सी। ठीक है, टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 25 करोर ईयर्स। ठीक है, सन के द्वारा अपने पूरे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करने के अराउंड कितना टाइम लगता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है काफ़ी। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लाइटनिंग और ग्लो, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और टेम्परेचर, इट इंडिकेट्स टेम्परेचर, जनरली ब्लू या वाइट कलर ज़्यादा दिखता है, जो वो ज़्यादा हॉटेस्ट स्टार्स जो होते हैं ये ब्लू एंड वाइट कलर में रहते हैं। अगर इसका कलर येल्लो है तो वो वार्म है बट बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। अगर उसका कलर रेड है, ठीक है, रेड कलर के हैं तो ये कोल्ड स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर्स इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे ही है ये लिमिट का, ये कौन सी लिमिट है, 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, ये इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट के नाम से, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखी गई है, शेखर लिमिट बोला जाता है। अगर इससे कम है, इससे कम है अगर किसी का मास, तो उसको वाइट डार्फ बोलेंगे, उस स्टार को, वो इस स्टेट में ही रहेगा। लेकिन अगर उसने इस लिमिट को क्रॉस किया और चंद्रशेखर लिमिट से बाहर गया तो फिर वो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो इसलिए लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म्स इवेंट होरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, स्टडी ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। यह है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इवेंट होराइजन, ये कहाँ तक हमारे स्पेस की लिमिट है, सिंगुलैरिटी कि ग्रेविटी का इन्फिनिटी चली जाती है स्पेस में, इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जो यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपरनोवा इज, अभी हमने थोड़ा सा देखा कि सुपरनोवा क्या है, एक्सप्लोजिव स्टार है ना, एक्सप्लोजन होता है, और स्टार में एक्सप्लोजन होगा वो डाइंग स्टार होगा, है ना, तो डाइंग स्टार। हाउ मैनी कॉन्स्टलेशंस आर इन अवर स्पेस, कितने कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, एक मीनिंगफुल शेप में एक ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं तो उनको कॉन्स्टलेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं लेकिन इसका नंबर 88 है। अर्सा मेजर,
अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर, लियो, सप्तऋषि, टॉरस, इन सब किसी नाम से स्टार्स के जो पॉइंट्स हैं वो किसी किसी शेप में, पर्टिकुलर किसी शेप में रहते हैं, ठीक है, तो उसको कॉन्सलेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस, क्या नहीं मिलता है स्पेस में? पल्सर, पल्सर तो बताया, न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, ब्लैक होल, ब्लैक होल सबको पता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है ब्लैक होल में, क्वेसर, क्वेसर बहुत ज़्यादा लाइट एमिटिंग न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि स्पेस में रहते हैं, तो ब्रिटल स्टार इज़ आर आंसर, ठीक है, पल्सर, ये तीनों मिलते हैं, ब्रिटल स्टार नहीं मिलता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज़ कैप्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल्ड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द डिस्टेंट स्टार, नेम ऑफ द स्टार इज बेटेलजूस, नया स्टार मिला है उसका नाम है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप हैं जो नॉर्मली न्यूज़ में आप देखोगे, हबल स्पेस टेलीस्कोप या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप। द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज नोन एज, स्टार्स या फिर किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो उसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में, ठीक है, लाइट की स्पीड जो है वो एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी, एक ईयर में कितना ट्रैवल करेगी लाइट, उस पे डिपेंड करता है लाइट ईयर, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट है। द ग्रुप ऑफ स्टार दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पोल इज, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन ऐसा कौन सा कॉन्स्टलेशन है जो कि डायरेक्शन ऑफ पोल बताता है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। ऐसा कुछ इसका है, इसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पोल एंड नॉर्थ स्टार। यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, उसकी आँख है यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से देख रहा है तो ये पोल या नॉर्थ स्टार की तरफ दिखाएगा, इसको डायरेक्शन स्टार ऐसे कुछ बोला जाता है, और यहाँ पे नॉर्थ की तरफ दिखाया जाता है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी बताता है और डायरेक्शन ऑफ पोल भी बताता है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन भी बताता है और पोल भी बताता है, सप्तऋषि। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या बिलोंग नहीं करता है? एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड तो पूरा का पूरा बेल्ट है सोलर सिस्टम में जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। फिर कॉमेट, कॉमेट हेली कॉमेट आपने बहुत सुना होगा, ये एक पॉइंटेड टाइप का कॉमेट होता है, इसका जो टेल है, जो इसका टेल है ये हमेशा पॉइंट अवे फ्रॉम द सन करता है, हेली कॉमेट, कॉमेट जो कि कौन से अपने सोलर सिस्टम में घूमता रहता है, एवरी 76 ईयर्स में दिखता है, प्लैनेट्स तो दिखते ही हैं, नेबुला नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम। हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, ठीक है, कॉपरनिकस ने ये हम सबसे पहले बताया था, पहले ये माना जाता था कि अर्थ स्टेशनरी और सन उसके अराउंड रिवॉल्व करा रहा है, लेकिन कॉपरनिकस वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड के स्टेशनरी है और सेंटर है अपने सोलर सिस्टम के, और इसके नॉर्थ घूम रहे हैं, तब माने जाते थे, अब माने जाते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम? द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, ये बात तो सही है। द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन, नहीं, आयरन है, सबसे ज्यादा तो आयरन है, तो ये बात गलत है। द सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, 75% नहीं, अराउंड 99.9
6.8% ऑफ सोलर सिस्टम सन में, सन में द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, इट इज अराउंड 150 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी गलत है, एक चुनना था, तो आंसर विल बी ए। द नंबर ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज 8। अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स, अब 8 प्लैनेट है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यही सीक्वेंस भी है, इनको इंटीरियर प्लैनेट्स बोला जाता है। ठीक है, मोर डेंस होते हैं ये प्लैनेट्स, और फिर इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सॉरी, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जोवियन प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने बताया था एस्ट्रॉइड बेल्ट्स भी होते हैं, तो ये चार 8 प्लैनेट्स हैं एक्चुअली। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर।